नमस्कार देश विदेश को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर एलपीजी ग्राहकों पर बड़ खबर एणिकी क्यों डिस्ट्रीब्यूटर रिफिल करेंगे निजे ने निष्पत्ति प्रथम पर्यायर चंडीगढ़ कोयंबटूर गुड़गांव पुणे में आरंभ हो योजना ग्राहकों मिल उत्तम सेवा अखिल भारतीय उच्चशिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 पांच वर्ष उच्चशिक्षार छात्र छात्री बढ़ी फलाफल पीएचडी स्कॉलर संख्यार 60% वृद्धि राष्ट्रीय महत्व संस्थानगुड़िक 80% वृद्धि केन्द्र शिक्षामंत्री कहले प्रधानमंत्री दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व जो मिलला सफलता देशर आर्थिक अभिवृद्धि पर प्रस्ताव रखिला केन्द्र अर्थ मंत्रालय 24 घंटिया टीकाकरण अभियान चलेबा को परामर्श 80% नागरिक टीका नेले हासिल हेबो हर्ड इम्युनिटी पूर्व अपेक्षा गतिशील हेबो देशर अर्थनीति सामना को आसुची चीनर कोरोना खेलर रहस्य विषय आतंक खेलवा पूर्व निज देश आरंभ करता वैक्सीन प्रस्तुति महामारी घोषणार दुई मास पूर्व पेंटेड फाइल करते चीन वैज्ञानिक संदेह घेरे हुर भूमिका अति प्रबल वर्षा जो राज्य में बन्या आशंका फोकस 9 जिला 20 दुर्बल नदीबंध उपरे नजर रही कहले जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री बैतरणी में बन्या आशंकर चिंतार नदीकूलिया लोक बन्या आसले पाणीगिरी को चली पुरी ब्लॉक 5 पंचायत एथर भी बिना भक्त हेबो पुरी रथयात्रा लागू हेबो कर्फ्यू जिला को बंद रहिबो बस गाड़ी चलाचल कोविड रिपोर्ट नेगेटिव और टीकार दुईट डोज नहीं सेवायत हो पारे सामिल पुरी छड़ा अन्य क्योंकि पालन होबनी घोषयात्रा रोगी हंतसंत पर चेता पशिला भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल में इक्मो मशीन लगेबाकु सरकारन को योजना एम्स से 2 ओ एसीपी रे स्थापन हेबो 6 मशीन प्रश्न उठला आगुरु काहें कि सजाग हुई नथले सरकार एलपीजी ग्राहकों पर बड़ खबर एवं ग्राहक निष्पत्ति ने क्यों डिस्ट्रीब्यूटर एलपीजी रिफिल कराइबे केन्द्र मोदी सरकार एलपीजी ग्राहकों बड़ आश्वस्ति प्रदान कर बड़ निष्पत्ति नहीं प्रथम पर्यायर चंडीगढ़ कोयंबटूर गुड़गांव पुणे और रांची में यह योजना आरंभ होपर देशर अन्य सब स्थान में यह योजना खूब शीघ्र आरंभ हो केन्द्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पक्ष सूचना दीजिए नुआ योजन एसपीजी ग्राहकों डिस्ट्रीब्यूटर चयन करने पूर्व से रेटिंग देखार विकल्प मिल एलपीजी रिफिलिंग करिबा समय रे विकल्प ग्राहकों को मिलिबो यहाद्वारा ग्राहक माने निजो पाई भलो जोगाणकारी संस्था चयन करिपारिबे यहाद्वारा जोगाणकारी संस्थागुडीक मतरे भलो सेवा जोगाइबानी प्रतिद्वंदिता देखिबाकु मिलिबो जहार सीधा लाभ ग्राहक पाइबे देशर आर्थिक अभिवृद्धि पर प्रस्ताव रखिला केन्द्र अर्थ मंत्रालय 24 घंटिया टीकाकरण अभियान चलेबा को प्रस्ताव यहाद्वारा आसंता सेप्टेम्बर शेष सुधा 70 कोटी नागरिक नहीं पारे टीका 80% नागरिक टीका ने हासिल हेबो हर्ड इम्युनिटी यहाद्वारा देशर आर्थिक अभिवृद्धि को पुणी ट्राक को फेर आणवा पार सहज देशर आर्थिक अभिवृद्धि प्रस्ताव रखिला केन्द्र अर्थ मंत्रालय 24 घंटिया टीकाकरण अभियान चलाइबा को प्रस्ताव एहा द्वारा आसंता सेप्टेम्बर शेष सुधा 70 कोटी नागरिक नहीं पारे टीका 80% नागरिक टीका नेले हासिल हेबो हर्ड इम्युनिटी विभिन्न क्षेत्र में बढ़िबो उत्पादन एवं चलचंचल हेबो जोगाण व्यवस्था पूर्व अपेक्षा वेगवान हेबो देशर अर्थनीति देशरे 24/7 बा 24 घंटिया टीकाकरण अभियान चलाइबा को एक प्रस्ताव रखी केन्द्र अर्थ मंत्रालय यहाद्वारा देशर आर्थिक अभिवृद्धि को पुणी ट्राक को फेर आईपर सहज ए बाबदे जून 9 तारीख दिन निजर मासिक अर्थनैतिक समीक्षा रिपोर्ट रे सविशेष बरणी प्रकाश कर मंत्रालय देशर अर्थनीति को वेगवान करने आसंता सेप्टेम्बर सुधा 70 कोटी लोक टीकाकरण में सामिल कराइबा अपरिहार्य एशे चली टीकाकरण अभियान को आहुरी व्यापक एवं द्रुततर करने को पड़ दिन को 8 बा 9 घंटा बदल 24 घंटिया एवं सप्ताह को 7 दिन लगातार भाव में टीकाकरण अभियान चलाइबा द्वारा सेप्टेम्बर शेष सुधा देश में 80% लोक टीकाकरण में सामिल करवल अगस्ट एवं सेप्टेम्बर मसरे
एहि प्रकार 24 घंटिया टीकाकरण अभियान चलाइले धार्य लक्ष्य पूरण होइ परिबो बोली रिपोर्ट रे प्रकाश पाइछि। एहा द्वारा लोकंक मध्य रे हर्ड इम्युनिटी गोष्ठी रोग प्रतिषेधक शक्ति सृष्टि हेबो, फळरे लोकमाने आउ सेपरि संक्रमणर शिकार हेबे नाही एवं महामारी जोगु बंद पड़िथिबा अर्थनैतिक कार्यकलाप पूर्ण चालू होइ परिबो बा लोकमाने पूर्ण कार्यरे जोग देइ परिबे। एहा द्वारा उत्पादन एवं आंतरराज्य जोगाण व्यवस्था रे मध्य अति शीघ्र सुधार आसिबो, जहां अर्थनैतिक अभिवृद्धि को बेग देबारे सहायक होइ परिबो। तेबे आसंता सेप्टेम्बर सुधा मोट 80% नागरिकंकु टीकाकरण रे शामिल करबाकु हेले एही समय सुधा 113 कोटी डोज टीका आवश्यक पड़िबो, फळरे दिनकु 93 लक्ष लोक टीका नै परिबे। आगकु कंपनी गुडिक द्वारा टीका उत्पादन वृद्धि पई योजना थिबारु डबल शिफ्ट बा 24 घंटिया टीकाकरण रे समस्या सृष्टि हेबो नै बोली अर्थ मंत्रालयर रिपोर्ट रे कहा जायछि। ब्युरो रिपोर्ट आर्गस न्यूज। केन्द्र शिक्षा मंत्रालय पक्षर् जारी होती अखिल भारतीय उच्चशिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-2020 गत 5 वर्ष उच्चशिक्षा छात्र छात्री बढ़ी फलाफल पीएचडी स्कलार संख्यार 60% वृद्धि होपरी राष्ट्रीय महत्व संस्थानगुड़िक 80% वृद्धि घटी प्रधानमंत्री दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व जुगु यह सफलता मिली कहले केन्द्र शिक्षामंत्री। आसला अखिल भारतीय उच्चशिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 5 वर्षे उच्चशिक्षा छात्र छात्री बढ़ी फलाफल पीएचडी स्कलार संख्य 60% वृद्धि 5 वर्षे राष्ट्रीय महत्व संस्थानगुड़िक 80% वृद्धि। गुरुवार केन्द्र शिक्षा मंत्रालय पक्षर् अखिल भारतीय उच्चशिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 जारी होती रिपोर्ट अनुसार देश में राष्ट्रीय महत्व संस्थानगुड़िक संख्य 80% वृद्धि घटी 2015 देश में आईएनआई संख्या 75 थी 2020 135 होती गत 5 वर्षे पीएचडी करुवा स्कलार संख्यार 60% वृद्धि होती केन्द्र शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल ट्वीट कर सूचना देखते जीआर जेंडर पैरिटी इंडेक्स रे सुधार होइथिबा नि सूचना देछंती केंद्र शिक्षा मंत्री 2015-16 रु आरंभ करी 2019-20 अर्थात 5 वर्षे उच्च शिक्षा पई भर्ती होइथिबा छात्रों संख्या 11.4% वृद्धि होइछि। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट अनुसार एही अवधि रे उच्च शिक्षा रे महिलांक नामांकन रे 18.2% वृद्धि रेकर्ड होइछि। सेपरि उच्च शिक्षा रे नामांकन रे समुदाय 3.04% सुधार देखा देछि 2018-19 रे 3.74 कोटि तुलन 2019-20 समुदाय 3.85 कोटि नामांकन अर्थात 11.36 लक्ष वृद्धि रेकर्ड होती सेपटे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जीआईआर 0.8% अंकर सुधार होती जीई रो अर्थ 18-23 वर्ष तुलन में उच्च शिक्षा नामांकन कर संख्यार अनुपात 2014-15 जीआर 24.3% थिबा बळे 2019-20 जीआर 27.1% रेकर्ड होइछि। सेपरी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट अनुसार 2019-20 3.38 कोटि छात्र छात्री स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में जोड़ी होते प्रधानमंत्री दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व जो सफलता मिली बोली ट्वीट कर केन्द्र शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर जारी रहबो समय चेक अप ब्रेक रो स्वागत। शिशुं आसला कोरोना गाइडलाइन मास्क पिंधे कि ना ऑक्सीजन टेस्ट केमी करेंगे स्टेरॉइड मेसीन प्रयोग हेब कि ना एमती अनेक प्रश्न मध्य चिंता बढ़ी शिशुं कहीं आगक तृतीय लहर आसवा आशंका बढ़ी एणु एवं केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष एदिगे नि व्यापक पदक्षेप शिशुं क्षेत्र में कोरोना चिकित्सापी आज रात केन्द्र सरकार नुआ गाइडलाइंस जारी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन न देवाक परामर्श ऑक्सीजन स्तर जांच पाई 6 मिनिट्र वाक टेस्ट डाक्टरी परामर्श बिना दिजनी स्टेरॉइड बा एंटीबायोटिक जारी हैला डीजीएचएस रो गाइडलाइन देश में कोरोना संक्रमण जोगु आतंक देखादी संक्रमण सुरक्षा लगी सार्वजनीन टीकाकरण जारी रही तेबे कोरोनार तृतीय लहर शिशुं क्षतिकारक होई पारे बोली आशंका करा जाउची
एपरि स्थले केन्द्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय अधीन कार्य करुथिबा स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय डीजीएचएस पक्षरु करोना लक्षण प्रकाश पाइथिबा अवा बिना लक्षण रे आक्रांत होइथिबा छोट पिलांको पई गाइडलाइन जारी होइछि। एतिरे सूचित होइछि 5 वर्ष अवा एहाटारु कम वयस्क छोट पिलांको लागि मास्क पिंधिबा जरूरी नुहे। तेबे 6-11 वर्ष वयस्क छोट पिला आवश्यक स्थले मास्क पिंधि पारिबे। एपरि पिला माने अभिभावकक तत्वावधान रे रहिबा सहित डाक्टरक परामर्श ग्रहण करि मास्क पिंधि पारिबे। एहा छोडा शिशुकु रेमडेसिविर इंजेक्शन न देबाकु परामर्श दिया जाइछि। रेमडेसिविर पार्श्व प्रतिक्रिया छोट पिलांक उपरे किपरि रहुछि सेने पर्याप्त तथ्य उपलब्ध नहीं बोली केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय अधीन कार्य करथिबा स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय पक्षरु कुहा जाइछि। एहा सह डाक्टरी परामर्श बिना स्टेरॉइड बा कोनोसी प्रकार एंटीबायोटिक व्यवहार न करबाकु गाइडलाइन रे कुहा जाइछि। सेहिपरि केवल अति जरूरी क्षेत्र रे सीटी स्कैन करा जिबाकु महानिर्देशालय पक्षरु निर्देश जारी होइछि। छोट पिलांक ऑक्सीजन स्तर जांच पई 6 मिनिट वॉक टेस्ट करा जिबाकु कुहा जाइछि। 94% रु कम ऑक्सीजन सैचुरेशन क्षेत्र रे हॉस्पिटल रे भर्ती करा जिबाकु निर्देश जारी होइछि। साधारण कोरोना संक्रमण लक्षण प्रकाश पाउथिबा छोट पिलांकु सेमानक शरीर ओजन रा प्रति किलोग्राम हिसाब रे 10-15 मिलीग्राम पारासिटामोल 4-6 घंटा अंतर रे देबा कुहा जाइछि। मध्यम आक्रांत क्षेत्र रे ऑक्सीजन देबा कु गाइडलाइन रे दर्शा जाइछि। कोरोना रो तृतीय लहर आसीबार संभावना थिबा बेले एहा शिशुंक उपरे अधिक प्रभाव पकाइबो बोली विशेषज्ञ माने कहिछंती। एहा को दृष्टि रे रखी सरकारक पक्षरु प्रस्तुति कार्य जोर शोर रे चलिछि। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚୀନର କରୋନା ଖେଳର ରହସ୍ୟ। ଭାଇରସ୍ ତିଆରି କରି ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ଆଗରୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଲୁଚାଇ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ନିକଟରେ ଚୀନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ୟୁସିନ୍ ଝୋ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 24, 2020 ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚୀନର କରୋନା ଖେଳର ରହସ୍ୟ। ଭାଇରସ୍ ତିଆରି କରି ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବା ଆଗରୁ ନିଜ ଦେଶରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଲୁଚାଇ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିଥିବା ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ପଛରେ କିଏ? ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଗବେଷଣା ନା ଜୈବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚୀନର କରୋନା ଖେଳ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟୁଛି କିପରି ଓ କେମିତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଛରେ ଅଛି ଚୀନର ହାତ। ନିକଟରେ ଚୀନର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ୟୁସେନ୍ ଝାଉ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 24, 2020 ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଝାଉ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ପିଏଲ୍ଏ ବା ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଚୀନର ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କାହିଁକି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାଉଙ୍କ ଏହି ଫାଇଲିଂର ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ପରେ WHO କରୋନାକୁ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ବ୍ୟାପକତାକୁ ନେଇ ଚୀନ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖି ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଚୀନର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ କେସ୍ ଡିସେମ୍ବର 2019 ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନର ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲ୍ୟାବ୍ର ଆହୁରି ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଅଜଣା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ସରକାର ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ଏପରିକି ଏହା ମଣିଷରୁ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି ବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିପାରେ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ୱୁହାନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଭାଇରସ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୟୁସେନ୍ ଝାଉ ୱୁହାନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜିର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସି ଜେଙ୍ଗ୍ଲି, ଯିଏକି ବ୍ୟାଟ୍ ଓମାନ୍ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
तेबे हटात झाऊ को मृत्यु घटिबारु वुहान लैब्रे हेउतिबा समस्त गवेषणा रहस्यमय होई उठिथिला। वैक्सीन पेटेंट फाइल करिबार मात्र 3 मास परे झाऊ को मृत्यु हेबा ओ कोरोना भाइरस पूरा विश्व को ग्रास करिबा वुहान लैब्रे जैविक अस्त्र प्रस्तुति करूतिबार दावा को कोनोसी ना कोनोसी दिगरे सत्य प्रमाणित करूछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय आउ एक ब्रेक रो स्वागत। चीन टीका को नहीं भरोसा। चीन प्रस्तुत करथिबा कोरोना टीका को विश्व स्वास्थ्य संगठन रो अनुमति परे भी विश्व अनेक देश देउ नहाते अनुमति। सऊदी अरब, यूएई एवं बहरीन समेत मध्य पूर्व एशियार अनेक देश चीन टीका को अनुमति प्रदान करूनाते। सेबडे चीन टीका नहींथिबा लोकंकु देशरे प्रवेश पई कटकणा लगाइछि यूएई। तेबे सऊदी अरब चीन रो टीका को नि सबोठरो अधिक चिंता प्रकट करछि। चीन रो दुईटी जाक टीका सिनोफार्म एवं सिनोवैक को मंजूरी दे नहीं। पश्चिमबंग मालदा अंचलरु चीन नागरिकंकु गिरफ कले बीएसएफ जवान। बेआईन भाबे बांग्लादेश सीमारु प्रवेश करथुवा बेले बीएसएफ जवान ताकु काबू करथिले। बीएसएफ रो अधिकारी, स्थानीय पुलिस एवं गुइंदा विभाग रो अधिकारी माने गिरफ चीन नागरिकंकु पचराउचरा करछन्ति। गिरफ चीन नागरिकंक निकटरु गोटे ल्यापटप, चीन पासपोर्ट एवं अन्य किछि सामग्री जब्त होइछि। राज्य में उपलब्ध थिबा टीका टीका भंडार समस्त स्तरर तापमात्रा संपर्क में कौन सी तथ्य को प्रकाश न करने को राज्यगुड़ी चिठी लिखि जनाइछन्ते केन्द्र सरकार। सर्वसाधारण फोरम रे इलेक्ट्रोनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम रो तथ्य न देबाको चिठी रे अवगत कराइछन्ते। एहा एक संवेदनशील सूचना बोली चिठी उल्लेख करा जाइछि एवं ए तथ्य केवल प्रोग्राम उन्नति पई व्यवहृत हेबो बोली कह जाइछि। निकटे जातीय स्वास्थ्य मिशन रो राज्य मिशन निर्देशकंकु दिया जाइथिबा चिठी रे दर्शा जाइछि जे टीका भंडार एवं तापमात्रा पई इवेन द्वारा उत्पादित तथ्य एवं आनालिटिक्स स्वास्थ्य मंत्रालय मालिकाना अटे और यह मंत्रालय बिना अनुमति में अन्य क्या न जनवाक कहुई। 2012-13 मसीह आरंभ होगापर टीका भंडार स्थिति और तापमात्रा को जातीय स्तर उपजिला स्तर पर्यंत ट्राक करने इवेन सिस्टम व्यवहृत हुए। देशरे कोरोना संक्रमण कमिबार लागिछि। 4 लाख ट्रेंड परे दैनिक आक्रांतक संख्या 2 लाख एवं 1 लाख तळु खसिछि। या मध्यरे गत 24 घंटा मध्यरे देशरे 1 लाख रु कम कोरोना संक्रमित चिन्हट होइतुवा बेले 6148 जनक मृत्यु होइछि। स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट अनुसारे 24 घंटे 94,052 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति। देशरे कोरोना जनित दैनिक मृत्यु संख्या 6000 टपिछि। 24 घंटा मध्यरे 6148 जनक मृत्यु घटिछि। सेबेले नूतन आक्रांतक मिसै देशरे समुदाय संक्रमित संख्या 2,91,83,121 रे पहुंची। ता सहित मृत्यु संख्या 3,69,676 रे पहुंची। समुदाय आरोग्य संख्या 2,76,55,493 रे पहुंची। देश में एवं सक्रिय आक्रांत संख्या रही 1,16,007। समय बुलेटिन को रखा। नमस्कार।